हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वोमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वोमेन के बीच जो T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, पिछला मुकाबला तो रद्द हो गया, लेकिन उससे पहले इंडिया वोमेन की टीम हार गई थी और साउथ अफ्रीका वोमेन की टीम जीती थी। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कौन से टीम्स की तरफ से हमको ज्यादा खिलाड़ी को रखना है और कौन से खिलाड़ी को दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, क्योंकि इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग मैच तो होने वाला है। तो साथ ही में दोस्तों जानेंगे इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर कौन से रहेंगे। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 9 तारीख को खेला जाएगा शाम में 7 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो MH चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में ये मुकाबला होगा। और तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर देखा जाए तो टोटल 5 T20 के मुकाबले हुए हैं वुमेन्स के, और पांचों के पांचों मुकाबले दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उनका इस ग्राउंड पर जीतने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 155 के आसपास और इससे भी ऊपर देखने को मिलेगा। हाइस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर पिछले मुकाबले में ही 189 रन का टारगेट दी थी साउथ अफ्रीका की टीम, जो कि इंडिया वुमेन की टीम चेज नहीं करने पाई। और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर पाकिस्तान वोमेन का 80 रन का है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे यहाँ पर 3 बार स्कोर बना है, 150 और 70 के बीच में 1 बार, 170 और 90 के बीच में 1 बार। और इस मुकाबले में भी आपको अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बैट्समैन को फिलहाल मदद मिल रही है। तो ये हो रहेगी दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो पिछले 3 मुकाबले यहाँ पर वोमेन्स के T20 के खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो इस सीरीज में पिछला मुकाबला जो यहाँ पर खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका 189 रन का टारगेट दी थी और इंडिया वोमेन दोस्तों 177 रन बनाने पाई, और साउथ अफ्रीका वोमेन 12 रन से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट मिली और स्पिनर्स को भी 4 विकेट। और उससे पहले इंग्लैंड वोमेन यहाँ पर 68 रन से जीती थी। ये पहले का मैच है जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 6 विकेट। और उससे पहले साउथ अफ्रीका वोमेन ने एक बार फिर से आयरलैंड वोमेन को हराई थी इस ग्राउंड पर 67 रन से, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 7 विकेट। तो तीनों मुकाबले में अगर आप लोग गौर कीजिएगा तो एक चीज देखने को मिलेगा कि तीनों मुकाबले पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है, और साथ में फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी यहाँ पर मदद मिल रही है। और रिसेंट के 3 मुकाबले में टोटल फास्ट बॉलर को 18 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 17 विकेट। तो इस मुकाबले में भी आपको दोनों टीम्स की तरफ से बेहतरीन स्पिनर्स को लेकर चलना है। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर को मिली है 7 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट, और सेकेंड इनिंग में 10 विकेट फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 11 विकेट फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 10 विकेट। तो दोस्तों सेकेंड इनिंग में यहाँ पर थोड़ा ज्यादा विकेट गिरता है, तो जो भी टीम यहाँ पर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उनके आपको बॉलर्स पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये रहेगी हमारी यहाँ पर पिच रिपोर्ट। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक वुमेन्स के T20 के इतिहास में 15 मुकाबले हुए हैं। इंडिया वुमेन 9 बार बाजी मारी है और साउथ अफ्रीका वुमेन 6 बार। और रिसेंट फॉर्म अगर इंडिया वुमेन का देखिएगा तो 5 में से पिछला मुकाबला हार कर आ रहे हैं इसी सीरीज में। और वहीं साउथ अफ्रीका वुमेन का अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 5 में से 2 मुकाबला जीते हैं केवल, लेकिन अच्छी बात है कि अपना पिछला मुकाबला इस सीरीज में इसी ग्राउंड पर जीत कर आ रहे हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11 इंडिया वोमेन की। तो दोस्तों इंडिया वोमेन की तरफ से इस मुकाबले में आपको शिफाली वर्मा के साथ स्मृति वंदाना ओपनिंग करते हुए दिखेंगी, फिर तीसरे नंबर पर जमीमा रोजर्स आएंगी, फिर यहां पर हरमनप्रीत कौर कप्तान, फिर दीप्ति शर्मा, फिर उमा छेत्री जो कि बिल्कुल नए विकेट कीपर हैं, फिर यहाँ पर दोस्तों संजीवन साजना, फिर पूजा वस्त्राकर, श्रियंका पाटिल और फिर अनुधाती रेड्डी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएंगे 11 नंबर पर राधा यादव। और पावर प्ले में दोस्तों पूजा वस्ताकर, दोस्तों ए रेड्डी और श्रियंका पाटिल बॉलिंग कराएंगी, और यहाँ पर दोस्तों ऊपर नीचे हो सकता है। और आखिरी ओवर में श्रियंका पाटिल और पूजा वस्ताकर तो कंफर्म है कि यही बॉलिंग कराते हुए आपको दिखेंगी। तो रहेगी दोस्तों अब इंडिया वुमेन की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। अब इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से लिंक पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी और टीम्स के साथ साथ दोस्तों प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर, पिच रिपोर्ट, सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं तो आप भी फटाफट से जुड़ जाइए, और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले इंडिया वोमेन का प्लेइंग 11 का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना जो ओपनिंग करेंगी। तो दोस्तों शेफाली वर्मा पिछले मुकाबले में 18 रन की पारी खेली थी, जिसमें से दोस्तों रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 51 रन, 44 रन, 71 रन,
ठीक ठाक परफॉर्मेंस उन्होंने की है, लेकिन पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गई थी और बीच में दोस्तों रिसेंट में ज्यादातर मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस खराब ही है। ज्यादा पहले अगर देखिएगा तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है। और वहीं स्मृति मंदाना की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस ठीक था दोस्तों, पिछले मुकाबले में 46 रन की, उससे पहले 33 रन, 22 रन, 47 रन। तो दोस्तों स्मृति मंदाना थोड़ा सा भरोसेमंद रहेंगी, लेकिन शिफाली वर्मा के ऊपर मुझे उतना भरोसा नहीं है। तो टॉप ऑर्डर से आपको केवल स्मृति मंदाना के ऊपर फोकस करना है, और अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं, रिस्की टीम बना रहे हैं, तब शिफाली वर्मा को आप लोग ले सकते हैं। जमीमा रोजर्स की बात करें, जो कि हमारी पहली जो मैंने टीम दिया था उसमें हमारी ट्रम्प प्लेयर थी और बहुत ही शानदार पिछले मुकाबले में 53 रन की पारी खेली। रिसेंट में भी 38 रन, 58 रन, 69 रन और 42 रन की इन्होंने पारी खेली है। तो इस मुकाबले के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगी, तो इनको आपको अपनी टीम में लेकर चलना है। टॉप ऑर्डर से आएंगी बैटिंग करने। फिर हरमनप्रीत कौर की बात करें तो इनका दोस्तों बैटिंग ऑर्डर सेकेंड डाउन है। पिछले मुकाबले में जब खेली थी तो 35 रन बनाई थी, फिर 30 रन, फिर 39 रन, 30 रन, 95 रन। तो दोस्तों ज्यादातर मुकाबले में इनका जो स्कोर रहता है 30 और 45 रन के बीच में रहता है। तो दोस्तों अगर इंडिया वुमेन की टीम टॉस हारती है तब आपको यहाँ पर हरमनप्रीत कौर पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनके इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में हमारे लिए डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगी, और पहले डिफरेंशियल ऑप्शन शिफाली वर्मा। फिर दीप्ति शर्मा की बात करें तो दीप्ति शर्मा भरोसेमंद है, लेकिन पिछले मुकाबले में यहाँ पर दोस्तों इनको 2 विकेट मिला था, और रिसेंट में देखा जाए तो दोस्तों रिसेंट में देख सकते हैं इनको ज्यादा मुकाबले में अच्छा खासा विकेट ही मिला है, 2 विकेट, फिर 88 रन, 2 विकेट, फिर 2 विकेट। तो दोस्तों इनको पिछले मुकाबले जब खेली थी तो 2 विकेट मिला था। तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी, और बैटिंग करने थर्ड डाउन आएंगी 5वें नंबर पर। तो ये इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगी, और आप लोग इनको कैप्टन और वाइस कप्तान भी कर सकते हैं। अब विकेट कीपर बैट्समैन उमा छेत्री की बात करें तो बिल्कुल नहीं है, और अभी तक ये केवल एक ही मुकाबला खेली है, वो भी दोस्तों बहुत पहले 8 रन बनाई थी, तो इनका ज्यादा रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर संजीवन साजना की बात करें तो दोस्तों इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछले मुकाबले में मात्र बॉलिंग कराई थी जो कि विकेट नहीं मिला था। रिसेंट में भी दोस्तों इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, एक मुकाबले में 30 रन, फिर 22 रन एक विकेट, 24 रन जो कि बहुत पहले का है। तो दोस्तों सजीवन साधना की बात करें तो इनको आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में नीचे है और कंटिन्यूअस बॉलिंग भी कराती नहीं है, एक दो ओवर करा ली लेकिन ज्यादा बॉलिंग नहीं कराएंगी, तो ये इन पर आपको फोकस नहीं करना है। अब पूजा वस्त्राकर की बात करें तो ये इस मुकाबले के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगी। पिछले मुकाबले में इनको दोस्तों 2 विकेट मिला था, उससे पहले भी 2 विकेट, फिर रिसेंट में देख सकते हैं कि हर मुकाबले में विकेट मिला है। तो पूजा वस्त्राकर को आपको अपनी टीम में रखना है, और दोस्तों पिछला मुकाबला जो इनका रद्द हो गया था उसमें भी ये 2 विकेट ली थी। श्रियंका पाटिल की बात करें तो पिछले मुकाबला जो रद्द हो गया उसमें 1 विकेट ली थी, और यहाँ पर ए रेड्डी को विकेट नहीं मिली है। और दोस्तों राधा यादव जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली और उससे पहले 2 विकेट, और रिसेंट में राधा यादव का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर पूजा वस्त्राकर को तो आपको लेकर चलना ही है, साथ में राधा यादव भी सेफ ऑप्शन रहेंगी, और श्रियंका पाटिल और दोस्तों यहाँ पर अरुण धाती रेड्डी की बात करें तो इन दोनों में से आपको किसी एक को लेकर चलना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इंडिया वुमेन की टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों यहाँ पर श्रियंका पाटिल को रख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को थोड़ा मदद मिलता है, और अगर इंडिया वुमेन की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो दोस्तों आप लोग अरुंधति रेड्डी को रख सकते हैं। ये हो गए दोस्तों यहाँ पर इंडिया वुमेन टीम की पूरी रिसेंट फॉर्म। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्लेयर इधर से बेंच पर बैठी हुई हैं उनका रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों रिचा घोष अगर खेलती हैं तो ठीक फॉर्म में है, पहले मुकाबले में खेली थी, 28 रन बनाई थी। हेमलता 14 रन बनाई थी। तो दोस्तों पिछला मुकाबला जो रद्द हो गया उसमें 4 बदलाव हुए थे जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों इंडिया वुमेन्स की टीम्स की तरफ से शिफाली वर्मा साउथ अफ्रीका वुमेन के खिलाफ 8 मुकाबले में 212 रन बनाई है 26 के एवरेज के साथ। स्मृति मंदाना का 23 का एवरेज है, जमीमा रोजर्स का 23 का है, और हरमनप्रीत कौर का 38 का है। तो टॉप के जो चारों बल्लेबाज हैं चारों का दोस्तों रिकॉर्ड 20 से ऊपर है, लेकिन हरमनप्रीत कौर का 38 है और शिफाली वर्मा का 26 है। फिर भी दोस्तों इन दोनों को बहुत ही कम लोग अपनी टीम में लिए हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये दोनों इस मुकाबले के लिए हमारे लिए डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगी। हरमनप्रीत कौर पर भी आपको फोकस करना है जिनका 38 का एवरेज है। अब ऑलराउंडर सेक्शन से दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्राकर की बात करें तो 28 का एवरेज है दोस्तों 8 मुकाबले में, और 15 विकेट मिली है दीप्ति शर्मा को, और पूजा वस्त्राकर को 8 विकेट मिली है 11 मुकाबले में। श्रियंकी पाटिल को 1 में 1 मिली है, फिर दोस्तों अरुणति रेड्डी को दोस्तों 5 में 3, और राधा यादव को सबसे अच्छा दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड है 10 मुकाबले में 13 विकेट। तो बॉलिंग सेक्शन से राधा यादव सेफ ऑप्शन रहेंगी, बाकी मैंने ट्रम्प प्लेयर भी आपको बता दिया और सेफ ऑप्शन भी। तो ये होगी दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड।
अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका वोमेन की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको लॉरा वेल्थबोट और दोस्तों साथ में तजमीन ब्रिट्स बैटिंग कराते हुए दिखेंगे, जो कि दोनों अच्छे फॉर्म में हैं। फिर मैजकिन कैप आएंगी तीसरे नंबर, फिर एनिक बोस आएंगी, फिर ये दोस्तों चॉल्ट्रॉन, फिर एंड डिक्लर, फिर दोस्तों यहाँ पर ड्रिक्सन, उसके बाद दोस्तों इली मारी मेरेक्स, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सियोन जाप्था, फिर दोस्तों यहाँ पर आयाबोंग खाखा, फिर यहाँ पर एन मालबला था। ये दोस्तों रहेगी यहाँ पर साउथ अफ्रीका वोमेन की प्लेइंग 11। और पिछले 2 मैच से इनका बदलाव नहीं हुआ है, सेम ही रहा है क्योंकि अच्छे फॉर्म में है। पावर प्ले में एक खाका सी ट्रोन और दोस्तों यहाँ पर मेरेक्स बॉलिंग कराएंगी, और आखिरी ओवर में एक खाका और मालबला। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर पूरी बैटिंग 11 और लाइनअप दोस्तों साउथ अफ्रीका वोमेन की। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इधर से अगर आप लोग गौर करिएगा तो एक चीज देखने को मिलेगा कि इनके सारे बैट्समैन अच्छे फॉर्म में हैं। पिछला मुकाबले में तो मैच रद्द हो गया है, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड मैंने लिखा है। लॉरा वेल्थबोट और तजमीन ब्रेट्स दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। लॉरा वेल्थबोट पहले मुकाबले में 33 रन की पारी खेले थी, पिछले मुकाबले में 22 रन, रिसेंट में 56 रन, 102 रन, 43 रन, 76 रन, 28 रन की पारी खेली है। तो सेफ ऑप्शन है और इनको आप लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। तजमीन ब्रेट्स की बात करें तो ये पिछले मुकाबले में 52 रन की पारी, उससे पहले 81 रन की पारी। तो दोनों मुकाबले में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पिछले मुकाबले में 52 रन की पारी तो खेली थी, लेकिन मैच रद्द हो गया था। रिसेंट में देखा जाए तो 59 रन, फिर 45 रन, 41 रन की पारी खेली है। तो दोनों ये दोनों सेफ ऑप्शन रहेंगी, और तजमीन ब्रेट्स दोस्तों डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगी कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि इनको बहुत लोगों ने तो लिया है, लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन कम लोग बनाए हैं। तो रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर इस सीरीज में आप लोग इनको कप्तान वाइस कप्तान कर सकते हैं। मैजकिन कैप की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जिन कैप की, तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 20 रन, उससे पहले 57 रन की पारी खेली। तो दोस्तों इनके बॉलर्स को पिछले मुकाबले में मौका नहीं मिला क्योंकि दोस्तों मैच रद्द हो गया था। तो मैजकिन कैप बॉलिंग से भी विकेट ले लेती, लेकिन अभी तक इस सीरीज में बॉलिंग नहीं कराई है। तो दोस्तों इनको आप लोग कप्तान कर भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि बॉलिंग उतना करा नहीं रही है। रिसेंट में 8 रन 1 विकेट, फिर 44 रन, 60 रन 1 विकेट की पारी खेली है। तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगी, और आपको साउथ अफ्रीका वोमेन की तरफ से टॉप ऑर्डर पे ही ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर अच्छे फॉर्म में हैं। फिर दोस्तों एनी बोस की बात करें तो रिसेंट में दोस्तों 40 रन पिछले मुकाबले में, उससे पहले दोस्तों 27 रन, 50 रन, 67 रन, 32 रन की पारी खेली है। चॉल्ट्रॉन की बात करें तो पिछले मुकाबले में 12 रन, फिर उससे पहले 12 रन 1 विकेट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनके बॉलर्स दोस्तों पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं कराई थी, तो अगर ये बॉलिंग कराते तो 1 विकेट इनको मिल सकता था। तो दोस्तों यहाँ पर चॉल्ट्रॉन हमारे लिए इस मुकाबले के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे क्योंकि ये दोस्तों तेज पारी खेलती हैं। रिसेंट में तो 12 रन ही बनाने पाए थे, लेकिन हर मुकाबले में इनको विकेट मिला है, देख सकते हैं। तो इस मुकाबले के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे। अब दोस्तों एंडी क्लर्क की बात करें तो ये ऐसी ऑलराउंडर हैं जो कि बैटिंग करने नीचे आती हैं, लेकिन बॉलिंग हर मुकाबले में कराएंगी। 14 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में, उससे पहले 1 रन 1 विकेट, फिर दोस्तों रिसेंट में 25 रन 1 विकेट, 11 रन 1 विकेट, और फिर 2 विकेट की भी इन्होंने शानदार पारी खेली है। तो दोस्तों एंडी क्लर्क को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो अपनी टीम में जरूर रखिएगा, और लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए उतने सेफ नहीं रहेंगे, लेकिन मेगा ग्रैंड लीग में आप लोग इनको कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर एनरी ड्रेक्सन की बात करें तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है और कंटिन्यूअस बॉलिंग भी नहीं कराती हैं। पिछले मुकाबले में मात्र 12 रन की पारी खेली थी। और फिर यहाँ पर मेरेक्स की बात करें तो इनका रिसेंट फॉर्म बहुत खराब तो नहीं है, लेकिन पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं कराई थी और बैटिंग का मौका नहीं मिला। तो दोस्तों इनको आप लोग केवल ग्रैंड लीग में ही लीजिएगा क्योंकि इन सारे बॉलर्स को उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर सैमुअल जाफ्ता की बात करें तो इनकी जगह पर दोस्तों आप लोग उमा छेत्री को रख सकते हैं, जो कि इनसे पहले आएंगी बैटिंग करने, क्योंकि दोस्तों इनका रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों पहले मुकाबले में तो 15 रन की पारी खेली थी, उससे पहले दोस्तों इनको मौका नहीं मिला। तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी ये, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है। अब दोस्तों यहाँ पर एन मालबला और एक खाखा की बात करें तो अगर साउथ अफ्रीका वोमेन की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर दोनों को रख सकते हैं, नहीं तो 2 में से आपको एक मिनिमम लेकर चलना है। और अगर इंडिया की टीम दोस्तों पहले बॉलिंग कराती है तो अब दोस्तों आप लोग दोनों को ड्रॉप भी कर सकते हैं। मालबला को पिछले दोनों मुकाबले में 1-1 विकेट मिला है, देख सकते हैं, और खाका को दोस्तों पिछले मुकाबले में 1 विकेट, और रिसेंट में इनको उतना खास मदद नहीं मिली है। तो मालबला इंपॉर्टेंट रहेंगे, खाका को उतना मदद नहीं मिला है, रिसेंट के 10 मुकाबले में केवल इनको 2 ही विकेट मिला है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो प्लेयर बेंच पर बैठी हुई हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सुने ल्यूस अगर खेलती हैं तो खेल सकती हैं, रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। फिर यहाँ पर दोस्तों क्लास को बैठा दिया गया था, जो कि आप लोग देख सकते हैं नहीं खेली हैं। तीन सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है जो बेंच पर बैठी हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर
हेड टू हेड रिकॉर्ड इनके सारे प्लेयर्स का। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका वोमेन का तरफ से देखा जाए हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया वोमेन, तो लॉरा वेल्टवर्ल्ड 11 मैच खेली है, 22 का एवरेज है। फिर दोस्तों तजमीन ब्रिट्स का 32 का एवरेज है, 5 मुकाबले में 164 रन। फिर मजकिन कैप की बात करें तो दोस्तों 129 रन बनाई है, 6 मुकाबले में 32 का एवरेज, 3 विकेट मिला है। बॉस की 24 का एवरेज है, 5 विकेट मिला है। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर की तरफ से इस मुकाबले में तजमीन ब्रिट्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कैप्टन वाइज कप्तान के लिए, क्योंकि 32 का एवरेज जो कि आप लोग देख सकते हैं। फिर मजकिन कैप को तो सभी लोग लेंगे, ए बॉस को ले सकते हैं, 24 का एवरेज है। लेकिन हमारे जो दूसरे टर्म प्लेयर रहेंगे वो दोस्तों चॉल ट्रेवन रहेंगी, क्योंकि 9 मुकाबले में 215 रन बनाई है 30 के एवरेज के साथ, लेकिन फिर भी इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं और ये बॉलिंग भी करा रही है तो इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर एंडी क्लर की बात करें तो ये सेफ ऑप्शन रहेंगे, 14 मुकाबले में 18 का एवरेज के साथ 10 मुकाबले बना 10 विकेट ली हैं। फिर ड्रिक्सन 20 का एवरेज है। फिर जाफ्ता उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो इन दोनों पर फोकस नहीं करना है। और जो बॉलर्स हैं मालवला 9 मुकाबले में 6 विकेट, खाका 12 मुकाबले में 7 विकेट, तो इनके बॉलर्स का दोस्तों उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन टॉप ऑर्डर के बैट्समैन का सारा दोस्तों बैट्समैन का रिकॉर्ड अच्छा है। तो आप लोग इनके बैट्समैन पर ज़्यादा फोकस करना है और ऑलराउंडर्स पर बॉलर्स दोस्तों आपको इंडिया की तरफ से लेना है। तो दोस्तों ये रहेगी हमारे यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस तो हो गई, अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने टीम बनाई है पूरा दोस्तों मैं बैट्समैन और ऑलराउंडर्स पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बैट्समैन को मदद मिल रही है और खास करके ऑलराउंडर्स। तो दोस्तों जो हमारे कप्तान रहेंगी यहाँ पर एम कैप रहेंगी, और टॉस के हिसाब से मैं एम कैप को दोस्तों मैं चेंज भी कर सकता हूँ, क्योंकि बॉलिंग उतनी करा नहीं रही है, बैटिंग से अच्छे फॉर्म में है। और वाइस कप्तान हमारी स्मृति मंदाना रहेंगी, और यहाँ पर मैं ट्रंप प्लेयर जमीमा रोजर्स को अपनी टीम में रखा हूँ जिनको उतने लोग नहीं लिए हैं, और यहाँ पर मैं उमा छेत्री को रख रहा हूँ। फिर लॉरा वेल्सवर्थ, तजमीन ब्रिट्स, फिर यहाँ पर एंडी क्लर्क, सीट्रॉन को मैंने लिया है, और सीट्रॉन हमारे दूसरे ट्रंप प्लेयर हैं, फिर दीप्ति शर्मा, फिर पूजा वस्त्राकर और राधा यादव। तो ऑलराउंडर मिलाकर मैं दोनों टीम्स की तरफ से तीन तीन मैंने बॉलर को भी लिया है, क्योंकि यहाँ पर दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर और राधा यादव बॉलिंग कराएंगे, इधर से मजकिन कैप, एंडी क्लर्क और सीट्रॉन बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। तो ये दोस्तों जो मैंने टीम बनाई है थोड़ा बहुत मैंने बैट्समैन को ज़्यादा सपोर्ट करते हुए टीम मैंने बनाई है और बॉलर्स को, क्योंकि रिसेंट में भी जो कल मुकाबला रद्द हुआ था उसमें भी दोस्तों इन्होंने इनके दोस्तों बैट्समैन अच्छा परफॉर्मेंस किए थे और लग रहा था कि दोस्तों टारगेट चेज हो सकता है क्योंकि बैट्समैन को मदद मिल रही थी। तो उसी हिसाब से मैंने टीम बनाई है। इस टीम में आप लोग चेंजेस ये कर सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर सी ट्रॉन की जगह पर आप लोग हरमनप्रीत कौर को रख सकते हैं, नहीं तो शेफाली वर्मा को रख सकते हैं। तो दो यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं सी ट्रॉन की जगह पर। और बॉलिंग में दोस्तों मेरे हिसाब से श्रियंका पाटिल उतनी मदद नहीं मिली थी पिछले मुकाबले में, और दोस्तों मालवला और खाका को लेना चाहते हैं तो वो दोस्तों टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं आपको टेलीग्राम पर फाइनल टीम प्रोवाइड करूंगा, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ये दोस्तों इस वीडियो के लिए फाइनल टीम रहेगी, अगर कोई भी प्लेइंग में बदलाव नहीं होता है तो ये टीम बेहतरीन रहेगी। और यहाँ पर दोस्तों मैं 4 बैट्समैन लिया हूँ दोस्तों, 5 ऑलराउंडर और दोस्तों यहाँ पर 1 बॉलर 1 विकेट कीपर। उमा छेत्री को मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि दोस्तों जो साउथ अफ्रीका वोमेन की जो विकेट कीपर हैं उनका बैटिंग ऑर्डर दोस्तों 9वें नंबर पर है, तो मेरे हिसाब से उमा छेत्री बेस्ट रहेंगी। और ये दोस्तों मेरे टीम कॉम्बिनेशन है, थोड़ा बहुत टॉप ऑर्डर को फेवर करते हुए मैंने टीम बनाई है। तो इस वीडियो में बस इतना है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।